इस गंध को निकालिए, मैं भी निकालती हूँ। अपनी तहारत कीजिए, अपना फर्ज अदा करें और आराम से सोइए, चाहे मौत की शक्ल में, चाहे अपने दिन का फर्ज अदा करके। बहुत तो जैसे बहुत ज्यादा भट्टी गर्म होती है ना, और उसमें जब कोई चीज डाली जाती है तो वो एकदम खिलती नहीं है, भस्म हो जाती है। इस दौरान में हम जो लोग थे भस्म हो गए, ये सारे पीछे खड़े लोग भस्म हो रहे हैं, तो मेरे से रहा नहीं। लिल्लाही जमीअ उमा ला तफर्रतु। मैं लंदन से वापस आ गई क्योंकि मुझे अपना वतन बड़ा प्यारा लगता था। आके 4.5 साल के बाद जब आई तो यकीन कीजिए मट्टी उठाई और मुंह पे मल ली, लेकिन तब से मैं सोच रही हूँ। और अब मैं एक दफ़ा बाहर गई और दोबारा आई तो जैसे बहुत ज़्यादा भट्टी गर्म होती है ना, और उसमें जब कोई चीज़ डाली जाती है तो वो एकदम खिलती नहीं है, भस्म हो जाती है। इस दौरान में हम जो लोग थे भस्म हो गए, ये सारे पीछे खड़े लोग भस्म हो रहे हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया। आई केम हेयर फॉर द इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, जब मैं इस जमीन से दूर नहीं रह सकती, जब मेरे पे फर्ज है, मेरे पे कर्ज है, जब मैं हूँ ही ये सब, रूल ऑफ लॉ के लिए बनी हूँ, अमन के लिए बनी हूँ, तो फिर रोना कैसा, फिर चुप क्यों, फिर आप सबको बोलते क्यों नहीं है। मैं ये सब कहती हूँ कि बोलते क्यों नहीं हो, क्यों खामोश हो, आप तक क्यों नहीं नारे लगाते, क्यों दिल की आवाज नहीं निकालते, लगाओ नारे, हम पाकिस्तानी है, हमने जाने दी है, बहुत ज्यादा जाने दी है, अब तो इज्जतें भी लुट रही हैं। यकीन कीजिए ये मेरी तकरीर नहीं है, अब तो इज्जतें भी लुट रही हैं। इस वक्त क्या नहीं हो रहा, देखिए क्यों खामोश है। आप में से ज्यादा वो लोग हैं जो दूसरी गवर्नमेंट के साथ हैं, ठीक है, आई मीन जो इस वक्त प्रिजाइडिंग गवर्नमेंट है उसके साथ है। मैंने जो अल्लाह की आयत पढ़ी है, आप क्यों भूल जाते हैं, कल उनको मार पीटी थी, ठीक है, आज वो हमें देख के खुश हो रहे हैं, कल को फिर कौन होगा इसमें, भस्म तो हमने होना है। तो कहना ये है कि निकलिए, मैं ये नहीं कहती कि आर्मी के खिलाफ, वो तो हमारा प्राउड था और रहेगी, निकलिए, इस गंध को निकालिए, मैं भी निकालती हूँ, अपनी तहारत कीजिए, अपना फर्ज अदा करें और आराम से सोइए, चाहे मौत की शक्ल में, चाहे अपने दिन का फर्ज अदा करके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम कुलसुम। कुलसुम ने शायद हम सब के दिल की तर्जुमानी की है। आज हम में हर शख्स इस तकलीफ को महसूस कर रहा है, लेकिन शायद हालात ऐसे हो गए हैं कि जिसमें हमारी जुबानें बंद कर दी गई हैं। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद